कसरावत के बाल समुद्र चौकी नया नगर कॉलोनी में रविवार रात्रि 9 से 10 बजे के दरमियान एक कलयुगी बेटे ने चाकू से गोद कर मां की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके का मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए कसरावत अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मृत महिला के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध हत्या के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन प्रारंभ कर दी है। पुलिस के मुताबिक बाल समूह निवासी रीना पति नूरू 50 वर्ष, उसके बेटे रुपेश पिता नूरू जागीरदार वर्ष 25 ने रविवार रात को घर में ही चाकू से हमला कर दिया। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग उसके घर पहुंचे। इस बीच रीना बाई की मौत हो चुकी थी। इसकी सूचना बाल समुद चौक की पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी अजय झा घटना स्थल पर पहुंचे। उसके बाद कसरावत थाना प्रभारी भी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद उसका बेटा घर में ही बैठा रहा। बताया जा रहा है कि खाना नहीं बनाने और देने की बात को लेकर हत्या की गई। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। सर, अभी जो कसरावत थाना अंतर्गत में जो एक पुत्र ने अपनी माँ को जो चाकू गोद कर हत्या की, सर क्या मामला है इसमें? ये बेड़ीपुरा बालसमुंद का प्रकरण है। मृतिका जो है रीना बाई, करीब 55 साल की है। इसका पुत्र रुपेश रात्र 9 तारीख की रात्रि 9 बजे के आसपास जो है रोटी न बनाने की बात को लेकर मृतिका को उसके लड़के के द्वारा जो है हटिया सिर पर मार दिया, जिसकी वजह से मृतिका की मौके पर ही मौत हो गई है। जिस पर रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा इसमें प्रकरण कायम कर तत्काल जो है आरोपी को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त पटिया वगैरह पुलिस के द्वारा गिरफ्त कर आरोपी को न्यायालय पेश किया गया। सर, इसका पूर्व में किसी थाने पे कोई प्रकरण दर्ज वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।